कॉमेडी के इस अखाड़े में आज पहलवानों के बीच होगा अंतिम मुकाबला, यानी हंसी और मस्ती की ये शाम होगी और भी रोमांचक। हाय अनु जी। हेलो। पहचाना? हाउ आर यू? देखा, ये बंदा चैनल को कभी नहीं भूलता, क्योंकि इनको पता है चेक बनाते वक्त हम इनको भूल गए तो। एक हवलदार ने पकड़ लिया मैडम को, कहता मैडम 15 मिनट से आपको देख रहा हूं, जब ट्रैफिक का सिग्नल हरा था तो आपने गाड़ी भगाई नहीं, रेड पे भगा ली, कहती मेरा फेवरेट रेड है। ओह माय गॉड, मल्लिका मल्लिका मल्लिका। अरे मैं मल्लिका नहीं, मोनालिसा हूँ। बात तो है कि उनको देख के भी दिल की धड़कने बढ़ जाती है, आपको देख के भी धड़कने बढ़ जाती है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। क्या है ना कि एंड टीवी वालों ने एकदम एंड मोमेंट पे फोन करके बोला कि अरे मंत्रा कल ना वो कॉमेडी दंगल का आखिरी हफ्ता है, आ जाओ। मैंने बोला हाँ हाँ कॉमेडी करने बुला रहे हो? बोले नहीं एंकरिंग करने। मैंने बोला लेकिन क्यों? बोला जो करना आता वही किया करो ना। इसलिए पेश है आपके लिए मंत्रा ओनली ऑन वेलकम टू कॉमेडी दंगल। लाते हैं हमारे कॉमेडी दंगल के मालिक अनु मलिक को और लाफ्टर की क्वीन भारती सिंह अपनी अपनी सेना के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, भारती सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनु मलिक। कॉमेडी दंगल के ये अद्भुत कलाकार और हमारे रिंग मास्टर्स अनु मलिक और भारती। भाई बताइए भारती, क्या चल रहा है आजकल? आज बहुत ज्यादा खुश है और कहीं ना कहीं मन उदास भी हो रहा है ना। अनु जी से पूछते हैं। पूछूं क्या? मैं अगर पूछ भी लूं क्या अनु जी, पिछले 3 एपिसोड जो गए हैं उसमें कौन गेस्ट आए थे, तो मजा ले इनको पता हो, क्योंकि इनका ध्यान गेस्टों की तरफ था ही नहीं, इनका ध्यान था गुर्दे फेफड़े कमर टांगे बाल गाल होंठ। क्यों अनु जी? ये प्यार कर रहे हो कि मेरी बैंड बजा रही हो? अरे क्या सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बैंड बजा रही हूँ सर। आज मुझे पता था। अरे भारती, झूठे इल्जाम मत लगा। झूठे इल्जाम नहीं, मेरे पास सबूत है। सबूत? भारती सिंह बातों पे बात नहीं करती, दिखाती भी है। सबूत लेके आओ भाई। सबूत लेके आओ भाई, सबूत सबूत। अरे संजय दत्त बाबा, भूमि कैसी? काफी वजन ड्रॉप कर दिया भाई ने। सबूत बताओ सबूत। ये देखिए, ध्यान तो सारा ये था। ये देखिए भी, इनको लग रहा था लड़कियां नहीं माइक है, इसमें गाना गाऊंगा। इनको पता नहीं इनके कितने क्लोजअप हमारे पास हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। आई रिस्पेक्ट वुमेन। खैर कोई बात नहीं, अनु जी के लिए जोरदार तालियां। भाई ऑफ कोर्स। एक बार जोरदार तालियां विपुल डी जा के लिए। हमारे प्रोड्यूसर एक्चुअली चैनल ने सारे कपड़े ले लिए थे, बोला था अच्छा शो बना के बता कपड़े तब वापस मिलेंगे। अभी अच्छा शो बना दिया, चैनल ने कपड़े वापस ले लिए, लेकिन चैनल वाले भी इतने चलाक निकले, कपड़े पहनाए कच्चा फिर ले लिया। भाई एक बुढ़े को चढ़ी है जवानी, पहुंचा है मैरिज ब्यूरो लेकर अपनी रानी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, यही कहानी दिखाने आ रहे हैं मुबीन मोनालिसा और VIP। हेलो हेलो भाई साहब, जल्दी फोन उठाओ। हेलो। हाँ अरे भाई साहब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, देखिए मैं आपकी शादी करा दूँ, लड़की कैसे भी हो मैं शादी करवा देता हूँ, बस लड़की होनी चाहिए। भाई साहब देखिए, मैं आपकी शादी जब सुमन से करवाऊंगा, घूंघट उठाएंगे तो अंदर से सुमन ही निकलेगी, संतोष थोड़ी निकलेगा। अच्छा चलो संतोष निकले तो आप सुहागरात मेरे साथ मना लेना, ओके? क्या हाँ बोल रहा है, चल बे मेरे साथ में नहीं हो, चल अंदर।
कैसे कैसे लोग हैं अनु जी। वैसे आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, अनु मलिक जी को भी शादी का प्रपोजल मैंने दिया था। इनका मैसेज आया, बोले तेरे अंदर जो शादी करने का जुनून है इसको जगा दूंगा, दोबारा ऐसा प्रपोजल भेजा तो आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं समझ गया इनकी शादी हो गई, क्योंकि शादीशुदा आदमी इतना गुस्सा करता है। अनु जी बोलिए। बाहर से खाली दिखने में बूढ़ा, लेकिन अंदर से बहुत जवानी भरी मेरे अंदर। अरे दादा, ये मैरिज ब्यूरो है क्या? पोते के लिए लड़की देखने आए हो या नाती के लिए? ए चुप, अंडर 22 है हम। क्या ब्लड प्रेशर है, शुगर? जल्दी से मेरी शादी करा दे, मुझे बहुत जोर से हनीमून आ रहा है। अच्छा ठीक है, शादी करवा देते। बुलाने जा रहा हूँ एक हसीना को, जिसकी आंखें शराबी और निगाहें हैं फरेबी। जयपुर से आई है, नाम है जलेबी। माय गॉड, मल्लिका मल्लिका मल्लिका। अरे मैं मल्लिका नहीं, मोनालिसा हूँ। बात तो है कि उनको देख के भी दिल की धड़कने बढ़ जाती है, आपको देख के भी धड़कने बढ़ जाती है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इससे शादी करनी, जल्दी से हनीमून बनाना, मुझे ये लड़की पसंद है बस। अरे आपको पसंद है, लड़की से भी तो पूछना पड़ेगा ना, आपको ये बुढ़ा लड़का पसंद है? मैं शादी करने आई हूँ, कूड़ा उठाने नहीं। नहीं, ये करोड़ों की ज्यादा तो किसके नाम पे करूंगा मैं? मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। क्या कड़क बॉडी है, 6 महीने बाद तो और कड़क हो जाएगी। 6 महीने बाद और कड़क हो जाएगी मतलब? हाँ, मर जाने के बाद तो आदमी कड़क हो ही जाता है ना। वैसे बुढ़े घर में कौन कौन है? मैं तो सुबह से निकला हूँ, मुझे क्या पता कौन कौन है मेरे घर में। तेरे घर में कौन कौन है बता? अभी कितना टाइम है? अभी 10 बजे है। 10 ना, तो अभी निकुल, उज्जवल, अंकित, ये तीनों हैं, और शाम तक हुजैफा और उत्तम भी आ जाएंगे शाम तक। जरा और एक खास बात, इनकी भी कुछ शर्त है। क्या क्या, क्या शर्त है? पंडित जी ने इनको कहा था कि जब तक सारी प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं हो जाती, अगर ये शादी कर लेंगी तो पति मर जाएगा। तो मैं इसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम कर दी। अच्छा एक छोटी सी और शर्त थी। हाँ। क्या शर्त है तेरी बता? कुछ नहीं, एंजॉय करना है बस, इनके साथ डांस कर लो। हाँ। इनको मैच कर दो, अगर इन्होंने आपने मैच कर लिया तो शादी कर लेंगी। अरे अच्छी शर्त है, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं गाना बजाओ यार। अरे ये बुड्ढे का मेडिकल रिपोर्ट है, धोखा दे दिया इसने। धोखा तो तुमने मुझे दिया है, हमेशा बोलते गए तू आ जा मेरे साथ, मैं करोड़पति बना दूंगा। मैं अपने पति छोड़कर आई, करोड़पति तो छोड़ो, जीरो पति भी नहीं बनी। मैंने पहले ही बोला था जैसे ये मरेगा थैंक यू बोल देना, एक खत्म हो जाएगा। बे मतलब को लाइन बोलने के चक्कर में खराब कर दी। मैं आज बता दूं कि आज थोड़े मुबीन जी थोड़ा ऐसा मूड भी थोड़ा ऐसा ऑफ हो गया था, और मोना इतनी हॉट लग रही है, पकड़ के नाच भी नहीं पाए क्योंकि पहली रो में उनकी बीवी बैठी हुई है। मिसेस मुबीन सौदागर, चप्पल नहीं भाभी, चप्पल नीचे। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी करती है वो, गरम गरम तेल। गरम गरम तेल। यार तीनों ने मिलके आज वाकई ग्रैंड फिनाले वाला एक्ट दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा।
भाई जोरदार तालियां। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले हफ्तों में कॉमेडी दंगल पर भारती जी ने और अन्नू जी ने बहुत मस्ती करी है कि नहीं भाई, और कुछ ऐसी ही मस्ती भरे पल हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। टेक अ लुक। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ ये। जिंदगी भर बचता रहेगा तेरे घर का फोन का रिंग। तो फोन वज रिंग। फिर जाते जाते एक 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 या बेबी जस्ट फिनिशिंग 5 मिनट्स, आई विल गिव यू अ कॉल बाय। मेरा नहीं है बंद। मेरा भी बंद है। भारतीय खुला हुआ है। हां तो क्या हो गया? तो मेरा भी खुला तो क्या फर्क पड़ता है? वेलकम बैक टू कॉमेडी दंगल। रितो, क्या होगा जब एक शराबी पहुंच जाए, क्या होगा जब एक शराबी पहुंच जाए नशा मुक्ति केंद्र में? हाँ मुबीन, वैसे भारती की दूर की वाली, वैसे भारती की दूर वाली बहन रोमांस करते करते अपने हस्बैंड पता था था वो सुनते स्वयं सुनते सु अरे क्या हो रहा है? मुझे लगा कि आपकी आप पूछा जैसी लड़की जब तक ऐसा व्हाइट साड़ी पहन के झरने में ना नहाए ना मजा नहीं आएगा। अनु जी एक मिनट, मैं इतना कजारी में आके खाऊंगी। ओ बाशी। एडमिशन लेने आया है एक स्टूडेंट, वहां उसे मैडम मिल गई है बड़ी हॉट। कहीं बताने आ रहे हैं रंगीले राजेश और नखरीली नेहा। बहुत अच्छे राजेश। बहुत खुश हूं मैं कि स्कूल से निकलने के बाद आज पहली बार मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने आया हूं। स्कूल में बहुत ही बुरा होता था हमारे साथ बिकॉज फिजिक की वजह से हमेशा लास्ट बेंच में बैठाया जाता था। इनफैक्ट मेरी फिजिक इतनी खराब थी कि मुझे लास्ट क्लासरूम में बैठाते थे। या फिर इसी फिजिक का मैंने फायदा उठा के टीचर की छाती पे बैठा, पेन की नोक उसकी आंख के पर रखी और उसने मुझे पास करवा दिया। क्या करने आए हो? वैसे तो मैं एडमिशन लेने आया था लेकिन अब जो सोच रहा हूँ उसके लिए परमिशन चाहिए। Shut up. Okay, listen. अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओके? कॉलेज के बाद तुम्हें मुझसे प्राइवेट लेसन्स लेने होंगे। प्राइवेट लेसन? यस। इसका मतलब 8 घंटे मैं आपके साथ कॉलेज में रहूंगा, 4 घंटे आपके साथ ट्यूशन पढ़ूंगा, बच्चे 12 घंटे, उसमें 8 घंटे मैं सो जाऊंगा, 4 घंटे के लिए मैं घर जाऊंगा, मैं शादी करके आपके साथ रहूंगा। Yes! बहुत अच्छा राजेश, बहुत अच्छे। एक मिनट, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? एडमिशन लेने आए हो या टाइम पास करने? I'm confused now. Yeah. मैं आया एडमिशन लेने था लेकिन एक्ट में अगर नेहा पेंट से जैसी एक्ट्रेस हो तो मतलब टाइम पास क्या प्रेजेंट फ्यूचर सब बिगड़ जाता है। क्यों अनु जी? आज तक इस मंच पर हमेशा लड़कियों को छीला गया है लेकिन इन तमाम लड़कियों की तरफ से आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वैसे तो इस शो का नाम है कॉमेडी दंगल। अब कॉमेडी का तो मुझे पता नहीं लेकिन जहाँ एक खूबसूरत लड़की को आप इन लौंडों के बीच में रख दो तो सबको दंगल ही दंगल करना है। राजीव ठाकुर जी, तालियां मत बजाइए।
अगला नंबर आप ही का है। नहीं ठीक है, मैं जानती हूँ आप मुझे ये 10 बार कह चुके हैं कि मैं यहाँ पे सबसे सीनियर हूँ, मुझे कॉमेडी सबसे बेहतरीन आती है, मेरे पास टाइमिंग है। अरे भारती जी को मैंने सिखाया है, बलराज को मैंने सिखाया, ओके फाइन, लेकिन कभी इन दोनों से बेहतर पंच भी तो मार के दिखाइए। बलराज लड़की में हाथ छोड़ दे, हाथ से बेमतलब हाथ मत लगाओ। लिसन अनु जी, देखिए इसकी शक्ल को, हाँ इनोसेंट शक्ल है, एकदम मासूमियत से लबालब, गरीबी बिल्कुल एकदम गरीब सा चेहरा, लेकिन है नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा है। ये मुबीन एक एक्ट के लिए जब लड़की बना था तो ये चुपके से उसके कमरे में चला गया यूएसए और पीछे कस के दबा लिया और बोला यार मैं कब तक सोलो करूंगा। मुबीन आई रियली लाइक यू माई फ्रेंड, लेकिन हेलो एक्सक्यूज मी होल्ड ऑन, ये सब बाद में करना, लड़कियों को तुमने भी छोड़ा नहीं है। ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, 26 एपिसोड में से 20 एपिसोड तो ये लड़की बना रहता है, हाँ फिर भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हें लड़कियों से है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये भूल क्यों जाते हो कि तुम्हारी आधी से ज्यादा पेमेंट ब्लाउजर पेटीकोट से बन रही है। इतना बुरा लगा भारती जी, इतना मुझे बुरा लगा, ये बंदे ने मुझे पता है क्या बोला, क्या उसने बोला, यार नेहा यार तुमको ना कॉमेडी का कुछ समझ में आता नहीं है, तुमसे पंच फूटते नहीं है, तुम्हें ना डायलॉग डिलीवरी नहीं है तुम में। गुरु जिस रेट से तुम चल रहे हो ना, अगले और 2 महीने अगर तुम लड़की बने ना तो मेरे डायलॉग का पता नहीं, तुम्हारी डिलीवरी जरूर होगी। लड़की भरी हुई है भारती जी, एंड ऑफ कोर्स अनु जी, वेल थैंक यू सो मच, मैं इतना कुछ सीखी हूँ यहाँ पर आके आप दोनों के वजह से। अगली बार अगर मुझे कहीं पे भी मौका मिला ना आप दोनों के साथ काम करने के लिए तो ट्रस्ट मी बाय गॉड मैं दूर के दूरी कट लूंगी। रोज मुझे मेरे मम्मी के ताने सुनने पड़ते हैं कि बेटा EMI अपने जगह है पर थोड़ा स्टैचर का भी तो सोचा करो, क्या कर रही हो। थैंक यू सो मच, सच के लिए तो बोल ताली बजानी चाहिए, सच के लिए। वेरी गुड नाइस, क्या बात, ओ हो हो हो, वेरी नाइस, ओ हो हो हो, क्या बात है नेहा, मजा आ गया। मतलब जब लड़कियां बिंदास होके बोलती है ना, क्योंकि हमेशा स्टैंड अप कॉमेडी में लगता है कि लड़के ही बोल सकते हैं, क्योंकि लड़के थोड़ी ऐसी बात कर देते हैं जो लड़कियां नहीं बोल पाती कभी कभी, लेकिन कहते हैं ना कॉमेडी हमारे आसपास ही होती है और आपने आसपास ही इतनी अच्छी कॉमेडी कर दी, मजा आ गया। और सर आज आप थे, मैंने देखा ही नहीं आपको क्योंकि आज के सारे पॉइंट्स नेहा ले गई, लेकिन दोनों ने मिलके बहुत अच्छा किया। अनु जी आज साड़ी में इतनी हॉट लग रही है हमारी नेहा, गाना तो बनता है, और अनु जी बनता है सर, स्टेज पे जाके बनता है सर, अनु जी, अनु 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 जी। मुझे पता नहीं मैं क्या बनाने वाला हूँ, आइए नेहा जी। नम 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 नम, सबकी नजरें तिरछी आड़ी, चलते चलते रुक जाए गाड़ी, किसी ने शेव कर दी दाढ़ी और किसी ने शर्ट अपनी फाड़ी, क्यों क्यों क्यों, नेहा ने पहनी साड़ी, 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 नेहा नेहा ने पहनी साड़ी, ओ साड़ी ओ साड़ी 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 साड़ी, ये क्या बात है अनु जी, इतनी शिद्दत से कभी आपने मेरे लिए गाया है, रहन दो। दिगच तक दिगच तक दिगच, ए भारती ए भारती ए भारती, वही क्वेश्चन, ए भारती, उतारो उतारो ना उतारो इसकी आरती, ए भारती ए भारती, बस नेहा ने पहनी साड़ी, नेहा ने पहनी साड़ी, नेहा ने पहनी साड़ी, नेहा ए अनु जी, अगर आपने ज्यादा बोला ना
मैं फाड़ दूंगी इसकी साड़ी। साड़ी, साड़ी है? और अब हम उन्हें बुलाने वाले हैं जिनके कारण हमारी सबकी रोजी रोटी चलती है यहाँ पर। भारती के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ये सुनाने आ रही है अपनी कहानी कि मोटापे से हुई है कितनी परेशानी। जोरदार तालियां फॉर लाफ्टर की रानी। आज सच में बड़ा इमोशनल हो रहा है मन कि यार खत्म हो जाएगा सब, खत्म हो जाएगा। खा क्यों इमोशनल, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जितना एनटीवी ने पैसा दिया है ना अनु जी, उससे ज्यादा मेरा घर से यहाँ आने में भाड़ा लग गया है। अरे बाकी टीवी पे कितने शोज चल रहे हैं आप देखिए, जब कट होता है जजिस को किशमिश, बादाम, काजू, अंगूर, पपीता, ये वो देते हैं खाने में। इधर देखो चने, हमको चने दिए जाते हैं। पिछले 3 महीने से चने खा खा के इतनी गैस हो गई है ना अंदर, अभी हर संडे के संडे मैं और अनु जी सिलेंडर भरते हैं। खैर कल से शादी की तैयारियां। लेकिन मेरे होने वाले पति गुजराती, आई लव गुजराती। एक नंबर के कंजूस और दिमाग से एकदम बिजनेस वाले। मुझे आज भी याद है जनवरी में सर मेरा रोका हुआ था अमृतसर में। हमारे पंजाबियों में ना पहले रोका होता है, जैसे पहले देखे आता ना साइनिंग अमाउंट कि भाई लड़की हमारी है, वैसे हमारे में रोका होता है। तो हमारे पंजाबियों में क्या होता है, रोके पे जो लड़की वाले लड़के वालों को ना कंबल देते हैं, मिलनी के कंबल, वो भी बदले में देते हैं। जैसे हमने ना इन गुजरातियों को कंबल देने शुरू किए ना, थैंक यू बोल के निकलते गए। हमने कहा हेलो, बदले में भी कंबल देने होते हैं। कहते सूचे हमें तो नहीं पता छे। और नॉर्थ में कितनी ठंड होती है, रात को अनु जी ऐसी ठंड पड़ी हम सारे कांप रहे थे, क्योंकि हमारे पास कंबल नहीं थे, कंबल थे गुजरातियों के पास। बस बिजनेस दिमाग जाग पड़ा, बिजनेस करना शुरू कर दिया उधर ही घर में। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया कंबल में आ जाओ, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया कंबल में आ जाओ, 100 रुपया। मैंने कहा ये क्या मतलब है, 100 रुपया लेंगे 2 घंटा कंबल में बैठ सकते हो। और मेरा चाचा आपको पता पंजाबी, ये चढ़ाई हुई थी, कहता दूंगा 500 रुपया लेकिन चाची के कंबल में जाऊंगा। रोके वाले दिन भी पैसे कमा रहा था गुजराती। हम ऐसे खड़े लड़का लड़की फोटो खिंचवा रही थी, जैसे ही लड़का कोई जाता था ना उसका हाथ पकड़ लेता था, भारती के साथ फोटो खिंचाई 500 रुपए दे। खैर शादी से पहले ना हर्ष की मम्मी मुझे देखने आई थी, मुझे देख के पसीने निकल गए उनके, और हर्ष को कहती इधर आ जरा, सू करे छू बेटा तने नथी समझ आवे छे। कहता क्या हुआ मम्मी, कहता अगर बेटा कॉमेडी करनी थी तो चार्ली चैपन की फिल्म देख लेता, ये क्यों कर रहा है। लेकिन हर्ष है गुजराती लेकिन मुझे बहुत प्यार करता, सच्चा आशिक है। कहता मम्मी कुछ भी हो जाए भारती से शादी करूंगा, क्योंकि भारती के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता। मम्मी बोली वाकई कुछ नहीं दिखता, जहां बैठी पूरी फैमिली नहीं दिख रही पीछे। एक बात बोलूं, थैंक गॉड मेरी शादी हो रही है, वरना नवाजुद्दीन का हैंडसम दिखना और मोटी लड़की की शादी होना बहुत मुश्किल है भाई। क्या बात है। माँ को अक्सर शादी की बड़ी चिंता होती है बेटी की। मेरी मम्मी 33 करोड़ देवी देवता किसने देखे नहीं होंगे, मेरी मम्मी ने माथा टेका है। हर एक मंदिर में जाके, हर गुरुद्वारे में, सभी देवताओं के पास चलेगी। आखिरी वाले देवते ने कहा कि बहन जी जो तुम्हारी जैसी बेटी है ना, ये इंडिया के देवताओं का काम नहीं, बाहर कहीं देवता को ट्राई करो। फिर मेरी मम्मी गई बैंकॉक, वहाँ लाफिंग बुद्धा होता ना ऐसे वाला सर, वो पहले ऐसे खड़े होते थे। मम्मी ने कहा भाई भारती की शादी करा दो। कहते इस मामले में बहन जी मेरे भी हाथ खड़े हैं। सबसे हाथ खड़े हो गए उनके। अनु जी मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, हॉकी। हॉकी के लिए जोरदार तालियां भाई। मैंने हॉकी भी ज्वाइन किया था, पता पहले ही मैच में बाल पकड़ के निकाल दिया मुझे, कहते हट निकल बाहर। क्या हुआ, कहते खड़ी हो जाती पीछे गोल नहीं दिखता। फिर मैंने गुस्से में आके राइफल शूटिंग ज्वाइन की और गोल्ड मेडल लेकर आई भाई। हंसाती हूँ, राइफल शूटर हूँ, पंजाब से हूँ, इसीलिए लाफ्टर क्वीन कहते हैं। अगर यूपी से होती तो बैंडेड क्वीन कहते हैं। लेकिन क्वीन तो मुझे लगता है
मैं अब भी बनूंगी, क्योंकि जैसा हर्ष दिखता है मुझे लगता है हनीमून पे अकेले ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब आ रहा है पंजाब का मुंडा। बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स का रखना ख्याल, आ रहा है बलराज सियाल। आज सब कुछ नया होगा सर, ये रही स्क्रिप्ट। शाबाश, आज वो बोलेंगे जो मन में है। ये लगा लगा कहीं जाके कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा शो से बाहर निकाल देंगे ना, वैसे भी आखिरी एपिसोड है। राजेश भाई क्या बात है सर, आपने नेहा को स्टैंड अप दिया लास्ट में करने के लिए, बिल्कुल सही काम किया है। इनको पता है इनका शुरू में नहीं फूटता, लास्ट में कहां से फोड़ेंगे, नेहा को दे दो। अरे बाप रे, बल्लू भड़क गया। सबसे पहले आपने जब शुरू हुआ था हमारा आज एपिसोड ये ग्रैंड फिनाले का, तो मोनालिसा आई थी ना, इसने आके बोला कि मेरे घर पे निकुल है, उज्जवल है, अंकित है, उजैफा है, सब है, उत्तम जी हैं, सब हैं, सब सब पड़े हैं। पांच लोग फंसा के इसने दो एपिसोड किए हैं, डायरेक्ट विपुल शाह फंसाती पूरा शो करती है। मेरे को सच में गुस्सा है कि इस शो ने मुझे सब कुछ दिया पर लड़की नहीं दी सर। ये देखो जीरा को दे दी लड़की, मुबीन को दे दी, वीआईपी को भी दे दी, मुंह देखो वीआईपी का ध्यान से, इसको भी लड़की दे दी, मेरे को नहीं दी, मेरे को दे दी पानी की बोतल। जब मैंने थकना नहीं, मैंने पानी करना क्या है। आदमी चाहे स्टैंड अप हो चाहे बैचलर, होता सब कुछ अपने हाथ में ही है। सर मेरा मतलब ये है कि घर में खाना खुद बनाना पड़ता है या कंटेंट खुद बनाना पड़ता है। सर इतना बुरा लगता है मुझे, 20-20 मिनट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आके, ये ठाकुर साहब, ये मुबीन, सब लोग, हम लोग 20-20 मिनट बोलते हैं, हमें लाख रुपया, नेहा को चुप रहने का 1.5 लाख। मैंने कहा उनको पैसे ज्यादा क्यों देते हो, कहते तुम्हारे मुंह से ज्यादा TRP उसके घुटने की आती है। अनु जी ने भी बड़ा गलत किया हमारे साथ सर, 10-12 स्टैंड अप कर दिए मंत्रा यहाँ पे, तकरीबन हर में स्टैंडिंग मिशन दी इन्होंने, लेकिन गाना तो नेहा की कमर पे बनाया ना। मेरे पे नहीं गाना लिखते ना आप, क्यों मेरी छाती के बालों में पेन फंस जाता है आपका। बड़े आप गाने बनाते लड़कियों पे, ये आपकी पीठ पीछे क्या करती हैं आपको पता है, ये आप पे शेर बनाती हैं, छोड़ के सारी लाज, लड़कियों ने खोले राज, कहते अनु जी की उम्र होगी तू ही ले चल बलराज। औरतें तो सर हमेशा ऐश करती हैं, आप पुराने जमाने में चले जाओ, औरतों की तब भी ऐश होती थी, महलों में रहती थी, लड़ाई में अपना राजा जीत गया तो उसके साथ महल में रहेंगी, राजा हार गया दुश्मन के महल में रहेंगी, ये महलों में रहती हैं। देखो लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम है तो देखो लड़की चाहिए क्यों फिर, लाइफ में लड़की का होना बड़ा जरूरी है, कब तक किस्मत पे थोपते रहेंगे सारा कुछ। एक नया रूल निकाला हमारी सरकार ने, कहते जो गर्भवती महिलाएं उनको 6,000 रुपए देंगे, हमें कुछ नहीं जिन्होंने किया। मतलब भारती इतना डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों, पति पत्नी को मारे तो जल्लाद दरिंदा नामर्द, पत्नी पति को मारे तो नारी शक्ति। वाह बहुत है, बहुत बहुत बल्ले। मतलब मैं नेहा को छेड़ू तो वैश्य दरिंदा, वो मेरे को छेड़े तो ब्रॉड माइंडेड। बहुत अच्छा रहा बल्ले, क्या बात मांडे, शाबाश। अनु जी एक नया कानून निकल आया, कहते हैं कि औरतें अब टैक्सी भी चलाएंगी, मतलब मर्द की ना दफ्तर में चलती ना घर में चलती, एक सड़कों पे चलती थी वहां भी आ गई ये मुंह उठा के। आपने ड्राइविंग देखी इनकी कभी, एक हवलदार ने पकड़ लिया कि मैडम को, कहता मैडम 15 मिनट से आपको देख रहा हूँ, जब ट्रैफिक का सिग्नल हरा था तो आपने गाड़ी भगाई नहीं, रेड पे भगा ली, कहती मेरा फेवरेट रेड है। मतलब जब से औरतें टैक्सी चलाने लगी सर, पता कितनी प्रॉब्लम होती है। मैंने एक दिन एक टैक्सी ड्राइवर को पूछा, फीमेल टैक्सी ड्राइवर, मैंने कहा लोखंड वाला कैफे कॉफी डे, कहती हाँ एज अ फ्रेंड चलूंगी। सर बाहर तो बाहर, हमारा घर में जो हाल होता है, पापा को बोला मैंने कहा मोबाइल रिचार्ज करा दो, कहते पैसे नहीं है।
एंजल प्रिया नाम की मैंने फीमेल आईडी बनाई फेक, पूरी रात अपने बाप से फ्लर्ट करता हूँ, सुबह जाके मोबाइल रिचार्ज होता है मेरा। कभी कभी ऐसे बातें करनी पड़ती है ना, सुबह मम्मी से नजरें नहीं मिला पाता मैं, मेरे को लगता है अपनी माँ की सौतन बन के घूम रहा हूँ एक ही घर में। सर आप देखो, इतिहास गवाह है, चाहे हमारे इतिहास में औरतों का नाम बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा बंदे इनकी वजह से मरे हैं। महाभारत, रामायण, हमारा शो देख लो सर, एन टीवी पे कितना इंपैक्ट है औरतों का, मतलब चैनल में सारी लड़कियां, एक लड़का रखा अंकित, वो भी चोटी वाला। हालांकि सच्चाई पता क्या है, मैंने भी जब से चोटी रखी मेरा करियर भी ठीक चल रहा है। एक नया रूल आया है बड़ा कमाल का, इंडिया में 30 सेकंड तक लड़की को घूरो तो केस हो जाता है। जज भी ऐसे फैसला सुना रहा है। मैंने कहा ऊपर देख के सुना, कहता नहीं फैसला 1.5 मिनट का है, केस हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, अब भारतीय है, इसको देखने में 4 मिनट लगते हैं, नियत भाई वाली है, केस कैसे करा ले हम। सही बोला मैंने, गलत क्या बोला, हम लड़के बड़े शरीफ होते हैं, हम लड़के कभी नहीं जाते पुलिस में लड़कियों के खिलाफ। कभी गया तू मंत्रा? कभी आप गए हो? मैं गया। कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट करी है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी का झांसा देके 6 महीने उसका शोषण किया? हम नहीं जाते। क्या बात है लौंडे, बहुत खूब, बहुत खूब बल्ले, बहुत खूब। हमारा फंडा क्लियर होता है, 6 महीने, 6 घंटे, 6 मिनट, जब तक कंफर्टेबल है रुक, नहीं तो जा। मेरे को कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चलो औरत के साथ, वो मेरी नाभि तक आती है, मैं कैसे कंधा मिला लूं उसके साथ। बहुत अच्छे। कदम हो गया, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही कह रहा है। मतलब जो दिल से कहने की बात है वो ये है कि ठाकुर का, वीआईपी का, मुबीन का, सबका बदला लिया रे बलराज। भाई मैं दुआ करूंगी तू इतना भरा हुआ है लड़कियों को लेके, भगवान करे तेरी अगले साल शादी हो जाए, फिर तेरे को पता चले तेरे कलेजे में ठंड पड़े और फिर तू ऐसे चुप करके बैठे, पता चले औरत क्या होती है। क्यों भाई? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। एक बार जोरदार तालियां बलराज के लिए। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच बलराज सर, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा शो आखिरी शो है तो क्या करें ना, इसके बाद बंद होगा तो सुरेंद्र पाजी ने सोचा कि इंटरव्यू देने जाएं, और वो इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो क्या होता है ये दिखाने के लिए आ रहे हैं द वेरी टैलेंटेड राजीव एंड द वेरी स्टनिंग पूजा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं अंधा हूँ, नहीं मैं अकल का अंधा हूँ। क्या बात है? टीवी पे आना, मैं शीशा देख लूँ। शीशा देख लूँ भाजी, मैंने इसको अपने बैंड में से निकाल देना भाजी, भाजी सारी मेहनत मैं करता हूँ इधर बैठ के, पीछे से भारती पे लाइन मारता रहता है भाजी। समझ 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 भाजी, पहचाना? आपकी पहचानेंगे पाजी, पाजी मेरा पाजी, ठीक है पाजी। पाजी आपको पता है कि मैं इस तबले वाली लाइन में क्यों आया, किसी ने मुझे बोला था कि तबले में बड़े पैसे हैं, तबले में बड़े पैसे, मैंने ना 200 तबले फाड़ डाले, एक कौड़ी नहीं निकली अंदर से पाजी। पाजी मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गया हूँ पाजी। पाजी घर में एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, और हिस्सेदार 3-3 पैदा कर लिए मैंने पाजी। ऊपर से शो भी बंद हो रहा है, अब मैं जाके इंटरव्यू दूंगा, नई नौकरी करूंगा पाजी। थपड़ थपड़ थपड़।
May I come in, भाभी जी? भाभी जी नहीं चलता है यहाँ पे। है तू पागल है? NTV है सिर्फ, यहाँ भाभी चलती, भाइयों का शो तो बंद भी हो रहा है। मेरा मतलब है कि मैडम में आई कम इन होता है। उनकी भी मैडम इधर आगे बैठी काम मांगने आजकल। एक बात बताऊं पाजी? मुझे पाजी क्यों बोल रहे हो? मैं सबको पाजी कहता हूं, मैं घर में मम्मी को भी पाजी कहता हूं। आपको देखकर मेरे को एक शेर आ गया, सुनाऊं पाजी? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अर्ज किया है। चल रही थी हवाएं, बीच में जाने कौन आ गया पाजी। एक मिनट को मेरा फोन आ गया पाजी। हेलो राइटर, हाँ स्क्रिप्ट में चेंजेस हैं? ओके ओके, मैं कर लूंगा एकदम कर लूंगा। हाँ जी पाजी। ये कैसा चेंज था? कुछ नहीं है, राइटर ने कहा था इसके बाद कस के हग कर लेना इसको। अरे पर इसमें पंच कहाँ था? हर चीज पंच ही थोड़ा होती, कुछ पर्सनल मजे भी लेने होते बंदे ने। नौकरी के लिए आए हो ना? हाँ जी हाँ जी। अपना बायोडाटा लाए हो? पहले वो दिखाओ, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें रखना है या नहीं। ये लो। ये क्या है? ये सीडी है, इसमें 4 एपिसोड तेरे हैं, 4 मेरे हैं। देख ले फिर डिसाइड करना कि किसने किसको रखना है पाजी यहाँ पे। आज वैसे भी लास्ट एपिसोड है, अब कौन किसको रखे। पाजी इसको पता नहीं एक्सटेंशन होने वाली है, इसका लास्ट भी है पाजी। मैं पता नहीं है, मुझ में भी कुछ टैलेंट है तब मैं यहाँ पे हूँ, समझ गए? शाबाश, जहाँ से आवाज आई है उनको ही पता तेरे में क्या टैलेंट है। मत कर। अरे मत कर। अरे बोला ना। करती रहे, मैंने डायपर पहना हुआ है। अच्छा ये बताओ तुम कहीं और गए थे इंटरव्यू देने? हाँ, मैं गया था, मुझे कहते दूसरी जगह जा। कौन सी जगह? कहते गो टू हेल। वैसे तुम में क्वालिटी तो कोई है नहीं, नहीं। मुझे एक बात बता पहले। हाँ क्या? मुझे प्लीज नौकरी दे दे, मैंने 6 साल से रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाई तो तुम जिंदा कैसे हो? कैसी बंगाल है तुझे पता नहीं है? रोटी के अलावा बंदा चावल खा के भी जिंदा रह सकता है। क्या हो गया? गैस होगी, मुझको बैंडेड दे दे। गैस में बैंडेड का क्या काम? मैंने जगह ही बंद कर देनी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में क्वालिटी तो एक भी है नहीं, कोई डिफेक्ट विफेक्ट है तो वो भी बता दो। मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, मेरी नजर कमजोर है। दूर का दिखाई नहीं देता तो इसमें क्या आया? चश्मा लगा लो दूर का। मैंने दूर का चश्मा लगाया था, अभी भी सारा चंडीगढ़ दिखाई नहीं देता मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने आप... कौआ 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 कहाँ? कौआ इधर, कौआ इधर, इधर कहाँ? कौआ सबने देख लिया कौआ। कंफ्यूज मत करो, तुम बोलो कि अपने आप को तुम अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो? मैं अगले 5 साल में अपने आप जेल में। जेल में क्यों? जैसे तूने कपड़े पहने 5 मिनट में मैंने को कांड कर देना अभी। गला सूख गया, पानी पानी ये लो। अरे पीना होता है पानी। नहीं नहीं, मेरा मुंह थोड़ी सूखा था, गला सूखा था मेरे पास कर। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से नौकरी दे सकती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चलो। नहीं ऐसा नहीं। अरे चलो यार, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मजे ले रहा हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है माफ किया, चलो। नहीं थोड़ा लेट माफ करो। आज तुमने कपड़े ज्यादा पहने, मजा धीरे धीरे आ रहा है। तो मुझे, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगी। ठीक है। मेरे को कितने पैसे दोगे आप? थोड़ा। मैं बाकियों को तो 1,00,000 रुपए देती हूँ, बट तुम्हें 10,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। मैं नहीं करनी नौकरी, मैं तबला बजाऊंगा, वहाँ पे इससे ज्यादा 1,100 रुपया मिलता है। अरे बेवकूफ इंसान, 10,000 है ना, 1,100 से ज्यादा होता है। नहीं, मेरी माँ कहती थी 11 10 से बड़ा होता है। मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ भी होने वाला है, तुम यहाँ से चले ही जाओ, वही बेटर है, निकलो। बहुत बकवास कर ली तुमने। ठीक है, नींद आ रही है, रास्ते में गाड़ी चलाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाना। चाय पिला, चाय है? हाँ है, लो और निकलो। अरे अरे अरे, अरे तू चल जाएगा। नहीं नहीं, मारा एक टक्चा हो गया, अब लोगों का कुछ और जल रहा है। क्या बात है, भारती आपसे शुरुआत करें क्योंकि आपसे बेहतर इनको कौन जानता है। बिल्कुल। एक बार पाजी के लिए भी
जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब बात कौए की यानी कि पूजा की। पूजा, हम चाहते हैं ऐसा कौआ रोज देखे भाई, एक बार दिखाओ जरा। क्या बात है, कौआ दिखा के सबके तोते उड़ा दिए। अनु जी कौआ दिखा। अरे इनके तो तोते कब से उड़ चुके हैं। तोते से याद आया राजीव, जब भी मैंने बोला, अरे मेरी पारी थी अनु जी बोलने की। तोता हुआ ना, मैंने बोला अच्छा बोल तू, मेरा खत्म नहीं हुआ, पहले शुरू करता है। बोल बोल। क्या कौआ, क्या था कौआ दिखा के नहीं? देखो कौआ पूरा याद है इनको। जब भी तुम आते हो मंच पे मचा देते हो हाहाकार, पाजी आप भी सुन लो, इनके साथ पाजी आप भी हो सुपरस्टार। क्या बात है, आपको बहुत सालों से नोटिस कर रहा हूँ, आपने अपना मकाम बना के रखा है। एंड राजीव दिल से विद ऑल हार्ट एंड गुड इंटेंशंस, सुपर्ब। आज ये हमारा आखिरी हफ्ता है और जिनको लेकर हम यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ खास यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं दोनों जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज यहाँ पर स्टेज पर आए। सुरेंद्र पाजी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ पर आए। आज हम सुरेंद्र पाजी को एक अवार्ड देना चाहते हैं, उस अवार्ड का नाम है झेलू अवार्ड। पूरा सीजन हमने सुरेंद्र पाजी को झेला है। हमें पता है सुरेंद्र पाजी हमसे बड़े स्टार है, सब आके रेडियो के बैठ जाते थे, पाजी लेट आते थे। कभी कभी तो आधा शो शुरू हो जाता, आराम से आते थे, आ गया मैं बजाऊं अब के नहीं। और एक बार तो इतनी लेट आए कि तबला घर भूल आए। मैं कहा पाजी तबला, कहते कोई नहीं घुटने बजा लेंगे। इसीलिए पाजी को आज मिलेगा इस सीजन का झेलू अवार्ड। भाई बड़ा मजा आया, कॉमेडी दंगल के आखिरी हफ्ते का पहला एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। नहीं नहीं कहीं जाइएगा मत, अभी ये एपिसोड बड़ा लंबा है, एक बार में फिट नहीं हो रहा था इसलिए हमने दो बार में उसको बांट दिया। तो कल की शाम यही कॉमेडी दंगल जारी रहेगा, देखते रहिएगा कॉमेडी दंगल ओनली ऑन एंड टीवी।